मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर विल नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को हम जनरली प्रोग्राम भी कहते हैं, कंप्यूटर को जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस। अ कंप्यूटर यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उसकी सभी डिवाइसों के कार्यों को नियंत्रित करता है। सभी कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं, जिसमें ये कुछ मेन आपको दे रखे हैं। जैसे जिसमें फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट लोड्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यू टू यूज़ द एडवांस फीचर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर विदाउट हैविंग टू लर्न ऑल द डिटेल ऑफ हाउ द हार्डवेयर वर्क्स। यह एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप ही लोड हो जाता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आधुनिक कंप्यूटर की उच्चतम विशेषताओं को प्रयोग करने की अनुमति देता है। हार्डवेयर के कार्यों को सीखे बिना हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच ब्रिंग्स कंप्यूटर डिवाइस एंड पेरिफेरल्स टू लाइफ। इट इंश्योर दैट डिवाइस परफॉर्म देयर इंटेंडेड टास्क विदाउट ड्राइवर्स द ओएस वुड नॉट एग्जाइन एनी ड्यूटीज़। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह प्रकार है जो कि कंप्यूटर डिवाइसों और पेरिफिकल्स को जीवन में लाता है। यह सुनिश्चित है कि उपकरण उनके कार्य करने के इरादे से प्रदर्शन करता है। ड्राइवर्स के बिना ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने किसी भी कार्य को नियुक्त नहीं कर सकता। इसमें नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। अ ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम रिटन अ सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इन टू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जिस खास ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी हमारे यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कंप्लायर। इट इज़ अ ट्रांसलेटर। इट इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम एंड आल्सो रिपोर्ट द एरर इन सोर्स प्रोग्राम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। यह ट्रांसलेटर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। यह संपूर्ण स्रोत प्रोग्रामों को संपूर्ण रूप से एक मशीनी कोड में बदल देता है। इसमें नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इट इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स द एरर वंस इट एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। यदि लाइन में कोई भी गलती होती है तो यह ट्रांसलेटर उस लाइन को अपनी प्रोसेसिंग के अनुसार वहीं पर उसका अनुवादन समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है इसमें आपका असेंबलर। इट इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। असेंबलर का प्रयोग असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा के कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डू मैनी ऑफ द टास्क वी डू डेली।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर में स्पेसिफिक टास्क करने की अनुमति प्रदान करते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि हम डेली यूज़ में करते हैं, उन्हें बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पूरा नहीं किया जा सकता। मार्केट में विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। वन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दिस प्रोग्राम अलाउड यू टू टाइप्स लेटर असाइनमेंट एंड डू एनी अदर रिटन एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर। यह जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यह हमें कंप्यूटर में लेटर्स टाइप करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए और जो रिटन एक्टिविटी होती है कंप्यूटर में करने के लिए, उसकी अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वन कैन यूज़ दिस प्रोग्राम टू क्रिएट चार्ट्स एंड डू कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें हम कोई भी चार्ट या कैलकुलेशन बना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल एप्लीकेशन। Outlook Express is an email program that allow you to receive and send emails. इस एप्लीकेशन के द्वारा हम emails को send कर सकते हैं, उन्हें receive कर सकते हैं। Next है आपका internet application. Internet Explorer is a program that allow you to get connected to the internet and look at the website like the one you are reading now. इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और जितनी वेबसाइट होती हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। जस्ट एज ह्यूमंस यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, कंप्यूटर्स आल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट आर स्पेसिफिक टू देम। जैसे मनुष्य संपर्क करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, वैसे ही कंप्यूटर की अपनी स्पेसिफिक भाषा होती है। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इंक्लूड वेरियस लैंग्वेज दैट आर यूज टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर मशीन। वह भाषाएं जो अपने संकेतों को कंप्यूटर लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार की भाषाएं शामिल हैं। यहाँ दो प्रकार की भाषाएं आपको दे रखी हैं, जिसमें फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज आर द मशीन कोड इन दिस द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ जीरो एंड वन टू अ कंप्यूटर सिस्टम। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो डिवाइड इन टू टू पार्ट्स। वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादन को सम्मिलित नहीं करती हैं लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। इसमें हम जीरो एंड वन का ही प्रयोग करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ये भाषाएं भी दो प्रकार की होती हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसमें नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द यूज़र बट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इन टू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक इट अंडरस्टेबल बाय द कंप्यूटर। बी यूज कंप्लायर एंड इंटरप्रिटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेजेस लाइक कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक सी, सी प्लस प्लस, जावा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़र आसानी से समझ सकता है, पर कंप्यूटर इसे आसानी से नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को इसे समझने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर होना पड़ता है पहले, उसके बाद ही इस लैंग्वेज को समझ सकता है। इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंप्लायर और इंटरप्रेटर का प्रयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ उदाहरण यहाँ पर इस प्रकार हैं, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक सी, सी प्लस प्लस और जावा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के होमवर्क में आपको ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्लायर। व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये सभी क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाएंगे, अभी मैंने समझाए भी हैं सभी, तो आप आसानी से इन सभी को कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।